अरे परसों के दिन निकल आता एक्सरे, अभी वापस काय को लगता है हॉस्पिटल खाली फोकट पैसा खाती है। हाँ तू एक ही करोड़पति पेशेंट है ना, जिसको लूट के सेठ जी अपना बंगला बनाएगा। बंगला नहीं बनाया ना सही, अमृता को कॉम्पेंसेशन में देने का पैसा तो जरूर वसूल करेगा इस तरह से। अरे तो उसके लिए कोई फर्स्ट क्लास पेशेंट को बकरा बनाएंगे ना हम लोग, तेरे जैसे लुक्के को आगे पकड़ेंगे। है साला हॉस्पिटल के थाली में भी तीन तीन आदमी खाना खाता है, वो टकलू बुढ़ऊ और तू, तेरा चाचा बाप और तू। ए ज्यादा मत बोल चल। साला रिक्शा का 8 आना भी ग्रुप करता है, 7 रुपया है, चलेगा क्या? ए जास्ती मत बोल और जाके देख अब तलब क्यों नहीं आया साला मेरा बाप चाचा। 2 बजे से पहले कोई नहीं आने वाला, डीएनए टेस्टिंग के वास्ते गहला रहेगा। क्या और क्या, तेरे को भी जाने का है डीएनए टेस्टिंग के लिए? काई को मतलब जब भी इधर अमृता पे वो जालिम जलसा किया तब तू भी था ना हॉस्पिटल में, फिर कंपलसरी है, कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट के ऑर्डर क्या, ऐसी की तैसी मैं नहीं करूंगा कोई टेस्ट फेस्ट। ठीक है तो फिर ये नर्स लोग तेरा स्पंजिंग करेगा जेल में आके? ये तो दादा की लोग, वो तो है। लेकिन भाई तुम लोगों को कितना समझाया, तुम लोग आवाज उठाओ, धरना धरो। राजू मेरा इलाज होने दे, बाद में देख। मैं क्या बोलता है, तुम सब पेशेंट लोग इकट्ठा होके ना सामने से स्टे ऑर्डर मार दो, केस लगा दो हॉस्पिटल में। तू क्या रे, तुम पेशेंट लोग हैं, मेरे से बात करके बैठता है, चल अपने वार्ड में चल। रुको राजू, देखिए ना डॉक्टर साहब ये मैंने सब देख भी लिया सुन भी लिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? पेशेंट को वार्ड से बाहर रखकर इस तरह से गप लगा रहे हो उसके साथ, इस तरह से भड़का रहे हो उसे हॉस्पिटल के खिलाफ? हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं डॉक्टर, इन लोगों के खिलाफ। और राजू सही कह रहा है, भड़का नहीं रहा है। रुकवा दो ये डीएनए टेस्टिंग, ये पेशेंट लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। सर मैं मानता हूँ कि कोर्ट ऑर्डर से सबको तकलीफ हो रही है, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मदद करें तो शायद हम अपराधी तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। लेकिन कसूरवार को पकड़ने के वास्ते हम बेकसूर लोगों को काहे को फालतू में तकलीफ है? देखो राजू तुमको मालूम है मैं अम्मू का दादा हूँ, दादा, और मैं खुद डीएनए टेस्ट करवा रहा हूँ। ये डॉक्टर गुप्ता, मुंशी जी, डॉक्टर अली सब करवा रहे भाई साहब, बस 2 मिनट की बात, थोड़ा सा ब्लड सैंपल। इसका मतलब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा? ऑपरेशन कैसा? नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा, जान को भी खतरा हो सकता है, ऐसा राजू बोल रहा था। राजू क्या रे, बीबीसी के माफिक भाषण देता है, चल चल चल। मिसेस नायर। हाँ मिसेस बजाज, प्लीज हैव अ सीट, मैं बस 2 मिनट लूंगी फिर मैं आपसे बात। मिसेस नायर ये आपको क्या छापा है? ये पढ़ लिया आपने? चलो शुक्र है, हिंदी अखबार के हेडलाइंस पढ़े तो आपने, कैसा लगा? बिल्कुल बेहुदा। बेहुदा क्या कह रही हैं आप मिसेस बजाज? मुंशी चैरिटी हॉस्पिटल के दर्दियों पर हो रहा मानसिक बलात्कार, इसमें बेहुदा क्या है? जो कुछ भी छपा है सच ही तो छपा है। अब आप ही बताइए, किसी एक ने बलात्कार किया और आप सारे लोगों के टेस्ट के ऑर्डर्स ले आए कोर्ट से? हाँ क्यों, किसी एक अपराधी के जुर्म की सजा आप सारे बेगुनाहों को क्यों देना चाहती हैं? डीएनए टेस्ट करवाने से? जी हाँ, डीएनए टेस्ट करवाने से वहां के सारे पेशेंट्स और उनके सारे रिश्तेदारों के फंडामेंटल राइट्स पर वार कर रही हैं आप, समझिए। मिसेस नायर कल तक आप ये कह रही थी अमृता के गुनहगार को पकड़वाने के लिए आपसे जो कुछ भी हो पाएगा आप करेगी, और अब हमें पता चला है कि आप अपनी ये कहानी किसी पॉपुलर इंग्लिश मैगजीन को देने वाली है, और वो भी कहानी 7 किश्तों में छपने वाली है, am I right? हाँ तो? तो सुभद्रा जी अखबार तो हमें भी चलाना है कि नहीं? अब आप अपनी ये कहानी अगर हमें अपनी जबानी नहीं देंगी तो हम क्या करेंगे? कोई ना कोई स्टैंड तो हमें लेना ही पड़ेगा ना, तरफदारी नहीं तो विरोध ही सही। आपको कितने पैसे मिले हैं इस 3 पैसे के आर्टिकल को छापने के लिए? सुभद्रा जी आप ये बताइए कि ऐसे आर्टिकल्स न छापने की आप क्या कीमत दे सकते, या फिर अमृता की ये कहानी अगर आपकी जबानी हमारे अखबार में छपवाई जाए तो?
मैं आपके साथ सौदा करने नहीं आई हूं यहाँ, नॉट मी। और प्लीज एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, अमृता की कहानी मैं आपको हरगिज नहीं छापने दूंगी। लेकिन अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ उल्टा सुल्टा लिखा तो मैं आपको भी कोर्ट नोटिस भिजवाने में जरा भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूंगी। फिर भले ही आपके इस दो कौड़ी के अखबार में हेडलाइन आ जाए, इस व्यभिचारी अखबार की संपादिका मिसेस नायर पर हुआ मानसिक बलात्कार। I must say she's a very strong lady, isn't she? Extra strong lady. Please, आइए बैठिए। Thank you. कहिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? And I'm very sorry. मैंने पूरी कोशिश की लेकिन वो DNA टेस्ट तो नहीं रुका मैं। मदर माँ, आपके इरादे इतने नेक हैं, ये अगर पहले मालूम होता तो हम शायद ये अखबार के छपने से पहले यहाँ हाजिर हो जाते हैं आपकी थोड़ी सी मदद करने। खैर कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। ये लीजिए। क्या है? कल की हेडलाइंस। What do you mean? मतलब आपका कलम चाहे तो अब भी आप ये DNA टेस्टिंग रुकवा सकती हैं, और इस सबूत के बल पर किसी एक शख्स का DNA टेस्टिंग करवा के आप अपराधी को पकड़वा सकती हैं। मिस्टर मुंशी, किसकी तस्वीर है इसमें? You are a very smart lady. And you have a pair of beautiful eyes. खुद ही देख लीजिए। हेलो दाता, कल की मेन स्टोरी क्या है? हाँ हेलो, अच्छा जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, हाँ जो कुछ भी है कैंसिल करो और कल की मेन हेडलाइन सुनो। अमृता बलात्कार केस, बगल में छोरा गांव में ढिंढोरा, बलात्कारी अमृता का मंगेतर रोहित पक्षी। अरे सुभद्रा, लगता है थर्मस की चाय काफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, जिस तरह से अमू की सेहत दिन ब दिन सुधरती जा रही है वो देखकर मुझे भी लग रहा है कि अब मेरी परेशानी बढ़ जाएगी। क्या, क्या मतलब? मतलब अब आप पूरा दिन घर पे रहेंगे। हाँ। मेरा सर खाते रहेंगे, चाय ठंडी हो गई उस पर मलाई तैर रही है। मैंने फैसला कर लिया है कि बस अमू को लेके रोज घूमने निकल पड़ूंगा। जितना वक्त उसे यहाँ सोए सोए गुजारना पड़ा है उसका 10 गुना वक्त मैं उसे लेके घूमूंगा फिरूंगा। और जब वो शादी करके चली जाएगी तो मेरा सर खाने के सिवा आपके पास और कोई चारा नहीं रहेगा। दादाजी। अरे रोहित आओ। श्वेता। अच्छा तो तुम हो वो पत्रकार जिसे हमारे रोहित ने डांटा था। अच्छा अच्छा, आप तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिखते हैं भाई। मैंने ऐसे विचार, ऐसी गहराई बातों में, ऐसा आर्टिकल तो मैंने कभी नहीं पढ़ा। अंकल, सवाल अच्छे या बुरे का नहीं था, सवाल सच का था। और कुछ लोग समझते हैं कि सच कड़वा होता है, बट यू नो समथिंग, जब कोई चीज बहुत मीठी हो जाती है तो भी उसका स्वाद कड़वा हो जाता है। इसलिए मैं सच को बहुत मीठा कहना पसंद करूंगी। दादाजी, श्वेता ने अपने एजेंट से बात कर ली और उन्हें ग्रीन सिग्नल भी दे दिया, इसलिए श्वेता चाहती हैं कि हम अमिता के साथ घटी हर घटना पर डिटेल चर्चा करें ताकि वो अच्छी से अच्छी कहानी लिख सके। कहानी नहीं रोहित, अनुभव। मैं अमृता का और आप सबका अनुभव लिखना चाहती हूँ। तो ये बताइए, आप लोग कब मुझे अच्छा खासा वक्त दे सकते हैं? कल सुबह हमारे घर। ओके पक्का। हाँ मगर एक शर्त है, मुझे चाय पीने की बहुत गंदी आदत है, बहुत सारी, बार बार गर्मा गर्म बिना मलाई की। फिक्र मत करना, इस आदत को संभालने की मुझे बरसों से आदत है, है ना? मैं हाँ
पानी जस्ट वन मिनट एक मिनट प्लीज। क्या हुआ? अमृता बातें करने लगी है, उसने पूरा एक सेंटेंस बोला, मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास क्या लगी कह रही है। हाँ। अमृता। प्यास लगी। सिस्टर सुना आपने? हाँ। अमृता को प्यास लगी है। हाँ, मैं से अभी नेजल ट्यूब से पानी पिलाती हूँ। नेजल ट्यूब से? अमृता तुम मुंह से पियोगी या? बहुत नींद आ रही है। अमृता, अमृता, रहने दो, ये नींद में है, अब हमें इसे और डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, सोने दो इसे। सिस्टर अब अमृता फिर से कब उठेगी? अरे जब जागेगी मैं तुम्हें बुला लूंगी। दादी माँ, फोन खराब है क्या? मैं सुबह 6 बजे से ट्राई कर रहा हूँ। रिसीवर उठाकर नीचे रखा है। क्यों? क्योंकि हम टेलीफोन का जवाब देते देते थक गए हैं। किस बात का जवाब? इस अखबार में तुम्हारी जो शानदार तस्वीरें छपी है वो किस बात की ओर संकेत कर रही है? तो क्या है रोहित, हमें भी जवाब दे दो ताकि इंक्वायरी काउंटर खोल के हम हर एक टेलीफोन का जवाब देते रहे। दादाजी आप इन तस्वीरों पर गौर मत कीजिए प्लीज। या फिर आंख फोड़ कर अंधे हो जाएं, कह दो वो करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। दादी माँ मेरा यकीन कीजिए, ये तस्वीरें ट्रिक फोटोग्राफी है, कंप्यूटर जनरेटेड है। तुम किसी और लड़की के साथ लेटे थे, उसे हटा के अबू की तस्वीर लगा दी गई, यही ना? नहीं, इसमें कोई ट्रिक फोटोग्राफी नहीं। मतलब ये असली है? तुम कबूल करते हो कि? हाँ, ये तस्वीरें मेरी और अमृता की हैं। लेकिन आप जो समझ रही हैं बात वो नहीं है दादी माँ। मतलब इन तस्वीरों को तुमने पहले भी देखा? डॉक्टर गुप्ता ने मुझे तस्वीरें दिखाई थी लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ समझा दिया। क्या समझाया? हमको भी समझाना, सबको जाकर समझाओ। दादी माँ अगर आप चाहें तो मैं अभी इसी वक्त अपना डीएनए टेस्ट करवाकर साबित कर दूंगा कि तस्वीरों की बात हमसे छुपाकर तुमने अच्छी तरह से साबित किया है कि तुम हमसे बहुत कुछ छुपाते आए हो। दादी माँ मेरा यकीन कीजिए, मैं उस दिन बहुत परेशान था और नशे की हालत में मैं महज लुक आई एम सॉरी। मेरा यकीन कीजिए प्लीज, मेरा इरादा आप लोग डॉक्टर गुप्ता से पूछ लीजिए। क्या पूछने बेटा, हम डॉक्टर गुप्ता से जाके हम क्या पूछने? मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि डॉक्टर गुप्ता क्या बताएंगे हमें। मैं जवाब इसलिए नहीं दे पा रहा दादाजी क्योंकि मुझे शर्म आ रही है। मैं उस दिन बहुत बहुत अपसेट था मैं, एंड डैम इट मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। एक दो पल के लिए मैं उसके गले लगकर रो लिया तो उसका मतलब यह तो नहीं कि मैं, फॉर गॉड सेक मुझे समझने की कोशिश कीजिए, किसी ने मेरी इस गलती का फायदा उठाकर छुपकर यह तस्वीरें खींची हैं और अब मुझे बदनाम करने के लिए, एंड टू हेल विद ऑल दिस, मैं इस मामले को अच्छी तरह संभाल लूंगा, ट्रस्ट मी। फिलहाल आप मेरी बात सुनिए, कल रात को 2 बजे अमृता ने मुझसे बात की, मुझे देखकर मुस्कुराई, वो मेरा नाम लेके पुकारा उसने, प्यास लगी है ये कहा उसने मुझसे। क्या? हाँ दादी माँ, अमृता होश में आ रही है और बहुत ही जल्द वो पूरी तरह से होश में आ जाएगी। आप लोग अखबार की बात को लेकर परेशान मत होइए क्योंकि 2 ही दिन में डीएनए टेस्ट है, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी।
आप इस बात की खुशी मनाइए कि अमृता होश में आ रही है, अपनी अमृता वापस आ रही है दादी माँ, हंसती खेलती हुई। चलिए मेरे सब पास, क्या पता वो फिर से होश में आकर हम में से किसी का नाम पुकारे। कम ऑन, लेट्स गो। अम्मू बेटा, ये तुम्हारी दादी को भ्रम है कि उस दिन मैं तुम्हारे नजदीक था ना, तो इसलिए तुमने मुझे दादाजी कह के पुकारा था, वरना तुम इन्हें ही ज्यादा प्यार करती हो। अच्छा बेटा, तुम इन्हें जरा बताओ तो तुम्हारा फेवरेट कौन है? इसमें हंसने की क्या बात है? इसने कहा दा। थैंक यू। अब ये क्या है? आपके सेक्रेटरी से टाइप करवा के लाया है, वो बोला नहीं आपको? अच्छा, तो तुम अपने खत मेरे सेक्रेटरी से टाइप करवाते हो? आपको अब भी मालूम गिरा? वो नया डॉक्टर बंगेरा आयला है ना, वो तो अपना लव लेटर भी उसी से टाइप करवाता है, पूछो। लेकिन मेरा आपके लिए ये पहला और आखिरी खत है। क्या है? इस्तीफा। तो जाओ ना, पर्सनल ऑफिसर को दे दो, मुझे क्यों दे रहे हो? क्या शेठ जी, सरकारी बाबू की तरह कर रहे हैं, इधर जाओ उधर जाओ करके। लगाओ ना इस पे ठप्पा और छुट्टी कर दो मेरा। क्यों, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें? ये अभी बटाटे वड़ा वाला एक्टिंग मेरे से नहीं जमेगा शेठ जी। क्या मतलब? ये क्या है, बटाटा वड़ा फटाटा वड़ा, कैसी बात कर रहे हो? ठीक तरह से बात करो। शेठ जी, आप ही ने मेरे को बोला था ना कि पेशेंट को जाके समझाओ कैसा विरोध करने का डीएनए टेस्ट का। और उधर से डॉक्टर गुप्ता मेरे को लंबा चौड़ा भाषण दिया कि मैं पेशेंट को काय को भड़का रहे लाए करके। आप और डॉक्टर गुप्ता है ना, वो एक तरफ से ऐसा जुड़ेला हुआ पाव और मैं बीच में फसेला ठंडा बटाटे वड़ा, और हम तीनों को खाने के लिए वो इंस्पेक्टर सक्सेना रेडी बैठा ही है। मेरे से नहीं होगा ये झमेला अभी सेठ जी। मैं ना मेरा खोली बेच के आपका पैसा लौटा दूंगा और जाऊंगा गाँव में खेती बाड़ी करने को। देखो राजू, यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकते हो। क्यों, आपका दिल टूट जाएगा? नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं टूटेगा, लेकिन इंस्पेक्टर सक्सेना का दिल जरूर टूटेगा। तो तुम्हें यहाँ जो रखा है जासूसी करने के लिए, उसे क्या लगेगा तुम यहाँ से निकल जाओगे तो? देखिए, अभी ऐसा मत जताना कि ये सब तुम अपना दिमाग के आइडिया से समझ गए। ये तो सारा सीक्रेट मैं आपको आके खुद बोल के गया था। नमक हलाल हूं ना? हाँ, जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं किस तरह के नमक हलाल हो तुम। लेकिन शायद तुम नहीं जानते राजू कि अभी भी अमृता रेप केस में जिन पर शक है रेपिस्ट होने का, उनकी लिस्ट में तुम्हारा नाम बहुत ही ऊपर है। कल डीएनए टेस्ट हो जाएगा और 99% रेप किसने किया है ये साबित हो जाएगा। अगर तुम बगैर टेस्ट के यहां से निकल जाओगे तो अपने आप साबित करोगे कि तुम ही अपराधी हो। इसलिए रुको, टेस्ट की रिपोर्ट आने दो, उसके बाद जाओ खेती बाड़ी करने अपने गांव या चक्की पीसने जेल। शर्मा जी, आप क्या समझते हैं, हम मुफ्त में सारी चीजें मंगवाते हैं आपसे, और ये देखिए ये क्या हालत बना रखी है, बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफिस जैसा लग रहा है। एक चीज नहीं मिलती। ओह माय गॉड, तूने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? चलो चलो, ऊपर कितना सारा काम पड़ा है। दारू वारू पी के बैठे हो ना? ए राजू, राजू चलो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.